हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, जांचें बैटरी की हेल्थ। और ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की एक कटिंग है जो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली है क्या कि जैसे कि आपकी जो बैटरी होती है उसकी, जैसे आपने नया फ़ोन खरीदते हो और बैटरी उसकी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, तो उसी पर ये आर्टिकल है। तो इस बार देख लेते हैं कि क्या है ये। एक दूसरे से संवाद संपर्क करने के लिए फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा है, जो कंपलसरी है। पर क्या आप जानते हैं कि फ़ोन हर समय आपके लिए आवश्यक है, उसकी बैटरी समय के साथ कमज़ोर होने लगती है, जिससे फ़ोन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम होने लगती है। तो बैटरी की क्षमता कैसे जाँचे, वो उसके लिए ये आर्टिकल दिया गया है। तो जैसे एप्पल, आपको पता होगा जैसे एप्पल आईफोन होता है, तो उसके अंदर तो आपको एक अलग से बैटरी जांच करने का वो मिलता है, ठीक है, एप्लीकेशन मिलता है। लेकिन एंड्रॉयड के पास, जो एंड्रॉयड यूजर हैं, उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि एप्पल आईफोन पर बैटरी हेल्थ को जांचने का तरीका मौजूद है, लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स के पास इस तरह का कोई सीधा विकल्प नहीं होता है जिसे वे पता लगा सके कि फ़ोन की बैटरी में कितनी ताकत बची है। बैटरी की स्थिति के बारे में यूजर को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर फ़ोन के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। यह आपको सभी को पता होगा। बैटरी अच्छी स्थिति में है या नहीं, इसे जांचने के लिए आईफोन यूजर सीधे सेटिंग्स और फिर बैटरी ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड डिवाइस पर ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। जो स्मॉल डिवाइस ऐसे होते हैं उनमें ऐसा विकल्प नहीं होता है, जो सस्ते होते हैं, मॉडरेट किस्म के होते हैं। लेकिन जैसे हाई परफॉर्मेंस वाले और जिनकी वैल्यू हाई होती है, उनके अंदर ऐसा होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एंड्रॉयड फ़ोन के इनबिल्ट फीचर की मदद से यह जानना आसान हो जाता है कि कौन सी बैटरी ज़्यादा खपत, कौन सा ऐप बैटरी की ज़्यादा खपत कर रहा है, ठीक है। सेटिंग्स को ओपन करके बैटरी वाले विकल्प, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से सेटिंग्स ओपन कर दी, ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ बैटरी, ठीक है। तो ये आगे बैटरी इन्फॉर्मेशन, बैटरी नेविगेशन बार और 100 बैटरी परसेंटेज। तो अपन को जानना है कि बैटरी के बारे में, तो ये देख लिए 7 घंटे 23 मिनट लेफ्ट हैं, यूजेज सिंस लास्ट फुल चार्ज। जब मैंने फुल चार्ज किया था इसको तो ये इतना यूज है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया कि कौन सा ऐप कितनी बैटरी यूज कर रहा है। जैसे यूट्यूब कर रहा है 22%, WPS ऑफिस कर रहा है 21.5%, सैमसंग नोट्स 4.9%, वेब ब्राउजर कर रहा है 4.6%, वन UI होम 1.2%। तो ये इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऐप कितनी बैटरी यूज़ कर रहा है। तो आप जो बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है जो ऐप, उसको आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जैसे कि बैटरी कैपेसिटी, ये देखिए बैटरी लेवल 27% है, बैटरी कैपेसिटी 10,090 mAh की है, और बैटरी स्टेटस अभी नो चार्जिंग है, क्योंकि मैंने चार्ज नहीं लगा रखा इसलिए नो चार्जिंग ये बता रहा है। तो जो एंड्रॉयड होता है उसके पास डायरेक्ट बैटरी जांच करने का विकल्प नहीं होता है, जबकि एप्पल के पास डायरेक्ट बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी जांच करने का विकल्प होता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड के पुराने वर्जन पर बैटरी डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन का एक चार्ट मिलेगा, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा भी दिया है। अभी हम देखेंगे कि बैटरी की जो एंड्रॉयड होता है, जो एंड्रॉयड यूजर है, वो बैटरी की हेल्थ कैसे चेक कर सकता है, ठीक है। उसके लिए विभिन्न ऐप हैं, तो वन बाय वन हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि बैटरी की हेल्थ चेक करने के लिए सबसे पहले मददगार कौन सा है, बैटरी की हेल्थ है मददगार। फ़ोन की बैटरी महत्वपूर्ण है, बैटरी अच्छी है या खराब जांचने के लिए जिन फ़ोन में बैटरी हेल्थ फीचर है उससे वे इसे जांच सकते हैं। आमतौर पर ये फीचर आईफोन में होते हैं। 100% बैटरी हेल्थ का मतलब है कि बैटरी एकदम सही है। बैटरी हेल्थ की मदद से पता चल सकता है कि बैटरी को कब बदलने की ज़रूरत है। डायलर कोड से जांचें बैटरी की हेल्थ। तो एक ऐप होता है जो आपको गूगल स्टोर पर मिल जाएगा, वो है डायलर हेल्थ, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर बैटरी हेल्थ को जानने के लिए कोड की मदद ले सकते हैं। इस कोड को डायल के बाद डिवाइस सेटिंग, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये जैसे आप फ़ोन मिलाने के लिए डायलर कोड पे जाते हैं, ठीक है, तो उससे आप बैटरी की हेल्थ जांच कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके बताता हूँ, तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको नंबर पैड पर *#*#4636# डायल करना होगा। मैं आपको लाइव करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये गया मैं डायलर पैड पे,
ठीक है। तो स्टार हैश 46 36 हैश स्टार नो नेटवर्क अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी वो मेरे पास वो सिम नहीं है, तो ये इस फोन टैबलेट के अंदर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिम नहीं डाल रखी है, वाईफाई पे चल रहा है, तो जिसके अंदर सिम डाल रखे होते हैं उसी के अंदर ये कोड काम करेगा। तो आप वहाँ से जाके आप इसको भी चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि जो एंड्रॉयड पे सॉरी एंड्रॉयड पे जो ऐप होता है उसकी मदद भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एक्यू बैटरी ऐप की मदद ले सकते हैं। कौन सा? एक्यू बैटरी ऐप। तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी हेल्थ को चेक करने के लिए यह थर्ड पार्टी ऐप है। जो भी गूगल स्टोर पे जो भी ऐप होते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं। यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सबसे पुराने और भरोसेमंद ऐप में से एक है। एक्यू बैटरी ऐप की मदद से डिवाइस की बैटरी हेल्थ को इस तरह जांच सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एक्यू बैटरी ऐप डाउनलोड करें, इसके बाद निचले मेन्यू से हेल्थ टैब टॉगल करें। यदि पहली बार ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो आप ऐप में कई बैटरी हिस्ट्री नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसे कुछ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल के बाद बैटरी टेस्टिंग करने की आवश्यकता होती है। 2-3 दिनों तक फ़ोन को चार्ज करने और इसका उपयोग करने के बाद फिर से हेल्थ ऐप पर जाएं। अब आप डिवाइस पर बैटरी हेल्थ को चेक कर पाएंगे। ध्यान दें कि इसके लिए ऐप को आपके डिवाइस तक एक्सेस की आवश्यकता होगी, आपको इसकी अनुमति देनी होगी। मैं आपको एक बैटरी ऐप दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये गए अपन प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में यहाँ पे मैं एक्यू बैटरी सर्च करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक्यू बैटरी आ गए, यहाँ से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको दिखेगा, ठीक है, बैटरी प्रोटेक्शन, तो आपको दिख जाएगा बैटरी की हेल्थ, ठीक है। तो कौन सा ऐप कितना यूज कर रहा है बैटरी वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बैटरी हेल्थ दिख जाएगी और आपको अपनी बैटरी के बारे में सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐप कौन सा है अपना? तो नेक्स्ट है, ये तो हो गया एक्यू बैटरी ऐप, जिससे आप मैंने आपको दिखा भी दिया। तो कैसे रोके बैटरी डिस्चार्ज होने से? यदि आपको लगता है कि कोई ऐप ज़्यादा बैटरी खपत कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोक भी सकते हैं। इसके लिए बैटरी यूसेज इन्फॉर्मेशन को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया था पहले कि कैसे ओपन करें और कौन सा बैटरी ऐप ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसको बंद कर सकते हैं। क्या करें जब खराब ना हो फ़ोन की बैटरी? तो ऐसा क्या करें कि फ़ोन की बैटरी खराब ना हो? हर यूजर चाहता है कि उसकी बैटरी ज़्यादा समय तक चले। कुछ तरीके जिनसे एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए यहाँ दिए गए तरीकों को आजमाएं। जैसे कि स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको कम रखें, ठीक है। वाइब्रेशन को बंद कर दें, जो वाइब्रेशन होता है कॉल आने पे, ठीक है, और मैसेज आने पे उसको बंद कर दें। ज़्यादा बैटरी उपयोग करने वाले ऐप्स को ब्लॉक कर दें। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को चालू रखें और बिना उपयोग वाले अकाउंट को हटा दें। बॉक्स के साथ आने वाले चार्जर का ही उपयोग करें, जैसे कि आपने जैसे ही फ़ोन का चार्जर आया, ठीक है, तो उसके साथ जो चार्जर आया है उसी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ही उसके लिए सूटेबल होता है। कितनी बैटरी उसको चाहिए वो सब उसी के अंदर होता है। डिवाइस को ठंडा रखने की कोशिश करें, ज़्यादा यूज उसको ना करें, उसको ठंडा रखें, ठीक है। या तो कूलर के सामने बैठे या पंखे के सामने, या सर्दियों में तो ज़रूरत नहीं होती है और गर्मियों में ही ज़रूरत होती है। तो ये सब आपको जो सजेशंस है वो आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी बैटरी जल्दी ख़राब ना हो। तो ये हमने देखा कि फ़ोन की जो बैटरी है वो किस तरीके से आप उसकी लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप दैनिक जागरण के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वेस्ट प्लस के नाम से वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पे जाके लिखना है WESTPLUS, ठीक है, तो वहाँ आप ग्रुप आएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।